अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब मैं पेपर दे के स्कूल से आ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो देखते हैं आज हमारे पास खाने में क्या है। सो फ्रेंड्स, ये पकोड़े हैं और ये किश्ते की चटनी। जिस जिसने खाने आ जाए। रुमैसा, क्या कर रही हो? मैं एकेडमी के लिए तैयार हो गई हूँ, तो अंकल का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो मुझे बताऊँगी। और तुमने फ्रेंड्स को बताया नहीं, ये तुमने शर्ट जो पहनी है दराज से ऑर्डर की थी? मैंने अपनी शर्ट दराज से ऑर्डर की थी। ये मुझे BTS बैंड के किसी मेंबर, एक मेंबर है वी, उसकी ये पिक बनी हुई है शर्ट पे। मुझे वो पैंट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी पिक बनी हुई है। हाँ, ये इन्होंने BTS बैंड इनका फेवरेट है, तो इन्होंने ये शर्ट, एक और भी शर्ट ऑर्डर की थी, उस पर किसकी वी की बनी हुई है, वी की। हाँ, तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट है, एक BTS है और एक ब्लैक पिंक। वो बहुत ज़्यादा इनको बैंड अच्छे लगते हैं, फिर उन्होंने ऑर्डर की थी, तो मैंने कहा ये कि आप फ्रेंड से शेयर करें। चलें, एकेडमी जाने लगी हो आप? किस चीज़ का पेपर कब है अब? मेरा दो तीन पेपर है कंप्यूटर का, ICT का। चलें, दुआ कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने सिटी में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां दिखाऊं, और हमने लाइमलाइट भी जाना था, अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, तो हमने वो लिए हैं। और आप लोगों को दिखाना था कि माशाल्लाह से यहाँ पर लोग किस तरह मस्जिद को सजाते हैं, घरों को इतना ज़्यादा लाइटिंग करते हैं माशाल्लाह, गलियों को इतना ज़्यादा सजाते हैं, बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और हर घर में मिलाद वगैरह भी होते हैं, गलियों को इतना सजाते हैं, और पहाड़ियाँ वगैरह भी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है। मस्जिदों में इतने मिलाद होते हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पर हर गली में कश्मीरी चाय के स्टॉल लगे होते हैं, फ्राइज़, हलवा पूरी, और बहुत मज़े मज़े के पकवान लोग बना रहे होते हैं, और जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उन्हें दे रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं, बुला बुला के खिला रहे होते हैं। इतना माशाल्लाह 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 इतनी रौनक होती है, मतलब ये अल्लाह की तरफ से हमें कितनी ज़्यादा, मतलब हमारी खुशकिस्मती है कि जो नहीं है, देखें तीन तीन ईदें होती हैं, छोटी ईद होती है, बकरा ईद होती है, और जो नहीं है ये माशाल्लाह से जश्न ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी होती है, और एक एक पता नहीं एक दिली खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है, हमारे प्यारे नबी की आमद थी, इतनी ज़्यादा रौनक होती है, इतना मज़ा भी आता है ये इस ईद पे, और पहाड़ियाँ वगैरह जो लगती हैं उनको देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं, वो भी वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ारों में, गलियों में बहुत रश होता है, तो इस वजह से ज़रा कम ही बाहर निकलना होता है 12 रबी अव्वल पर, लेकिन अगर हम गए इंशाल्लाह ताला तो आपको ज़रूर ज़रूर दिखाएंगे। आप गलियां देखें माशाल्लाह, ये देखें गलियां कितनी खूबसूरत डेकोरेट हुई हुई हैं माशाल्लाह से, इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं कि दिल खुश होता है, और मस्जिदें वगैरह भी इतनी प्यारी डेकोरेट हुई हुई हैं, मस्जिद, बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, दुकानें, और ये बिल्डिंग और ये स्टोर्स वगैरह, ये सब इतनी ज़्यादा लाइटिंग की हुई है माशाल्लाह, लोग अपने घरों में इतनी लाइटिंग करते हैं, और हर घर में मिलाद होते हैं, इतना अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ईद पे। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सब इनायतें हैं। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं, और मम्मा ने मेरी सिस्टर के लिए कुछ सूट वगैरह लेने थे, और मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक गिफ्ट लिया है, तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है एक सूट, और ये इसका शलवार है, इसकी एक ये सूट है, ये शर्ट है, और एक ये है, ये भी दिखाते हैं हम, ये हमने ईटन रोप से लिया, ये वाला, और ये वाला इसका ट्राउज़र है, ये मैंने अपने सिस्टर के लिए स्टार सीकर लिया है परफ्यूम, ये स्टॉक में नहीं था तो उन्होंने हमें मंगवा के दे दिया है, हमने उनको ऑर्डर दिया था, ये हमने चीज़ें ली हैं। रबी अव्वल के लिए ये सूट वगैरह लिए हैं, करते ही रहते हैं हम तो। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना है, तो चलें अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को लाइक करें, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।